हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। तो दोस्तों, आज हम इस स्टूडियो में बात करेंगे मंथली जीएसटी रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है सेलर JioMart.com से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक न्यू सेलर हैं और आपको नहीं पता कि सारी डिटेल जो भी आपने लास्ट मंथ में सेल की है, रिटर्न किया है, यानी कि रिटर्न डिटेल्स या जो भी ऑर्डर्स का पेमेंट आया उसका सारा डिटेल आपको कहाँ से मिलेगा वो नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है और आपके जीएसटी फाइलिंग के लिए भी यूज होगा। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है sellerjiomart.com। जैसे आप लॉग इन कर लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्थ नंबर का टैब होगा रिपोर्ट्स, उस वहां पे आपको डाउन एरो दिखाई दे रहा होगा, वहां पे आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो ऑल रिपोर्ट्स करके सब टैब दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड जैसा देख पा रहे हो ना, वैसा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेक्ट रिपोर्ट टाइप पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे टाइप करना है आपको इनवॉइस रिपोर्ट, यानी कि लास्ट टू सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा इनवॉइस रिपोर्ट, उस पर जाके आपको गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है, मंथली लिखा है ना वो टैब सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट करते हो उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में कैलेंडर का आइकॉन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो मार्च मंथ सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम जीएसटी फाइल करेंगे तो लास्ट मंथ में जो भी हमने सेल और रिटर्न किया होगा वही फाइल करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे मार्च ले रखा है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है इनवॉइस रिपोर्ट, तो इनवॉइस रिपोर्ट फाइल का नाम दे देना है, कौन से मंथ का है, तो ये है मेरा मार्च 2023। इतना लिखने के बाद आपको जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने पहले ही रिक्वेस्ट डाल रखी थी, इसलिए ये जनरेट हो गया है। अगर आप अभी करते हो ना तो 2 या 5 मिनट्स के अंदर ये रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। जनरेट होने के बाद इसे हमें डाउनलोड कर लेना है, तो हमने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखी हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स हाइड कर रखी है, क्योंकि दोस्तों सारा डिटेल मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इसलिए आपको बताने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर ये डेटा बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर होगा ना वो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, और ये फाइल आपको यूज होगा जीएसटी फाइलिंग के लिए। यहीं से आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कि जो आपने ऑर्डर डिस्पेच किए हैं उसकी फाइनल इनवॉइस अमाउंट कितनी थी, उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए था, कितना लगा है, वो आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, TDS, TCS, है ना। तो ये जीएसटी फाइलिंग के लिए फाइल आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं, तो चलिए दोस्तों फिर से सेम प्रोसेस करना है, हमें फिर से जाना होगा sellerjiomart.com पे और रिपोर्ट्स पे ही आपको आना है जैसे कि हमने बताया था पहले। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो उसके बाद गो पे क्लिक कर देना है। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिपोर्ट्स है ना ये पूरा मंथली डाउनलोड नहीं होगा, ये 15-15 दिन से डाउनलोड होगा। मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे, देखिए दोस्तों जैसे हमने जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक किया ना तो यहाँ पे आ गया है डेट रेंज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2 वीक्स, 2 वीक्स से ज़्यादा ये रिपोर्ट जनरेट नहीं करने देगा। तो आपको क्या करना है, डेट रेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो कैलेंडर का आइकॉन है ना उस पर जाना है और 15-15 दिन का रिपोर्ट आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि 1 मार्च यहाँ पे हमने लिया है और यहाँ पे हम 15 मार्च ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डेट डिफाइन कर सकते हो 1 to 15 मार्च, है ना। उसके बाद आपको जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ये रिपोर्ट जनरेट हो जाए उसके बाद सेम चीज़ फिर से करनी है, आपको जाना होगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है 30 मार्च और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है 16 to 30 मार्च, क्योंकि अगर 31 मार्च तक का लूंगा ना डेटा फिर भी वो लेने नहीं देगा, क्योंकि 15-15 दिन का आपको रिपोर्ट लेना है। तो इस ये जो पूरे मंथ का है ना 3 पार्ट में फाइल डाउनलोड होगा। तो जैसे आप यहाँ पे करते हो तो ये करने के बाद आपको क्या करना है, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो within 2 या 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट हो जाएंगे, ये हमने पहले से कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, report 1, report 2 and report 3 हम एक ही डाउनलोड करके आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि तीनों जो भी आपने पार्ट में रिपोर्ट डाउनलोड करके रखे है ना तीनों को एक में ही मर्ज कर देना है। उसके बाद ये रिपोर्ट का यूज़ क्या होगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये रिपोर्ट हमने ओपन कर लिया है डाउनलोड करके, तो इस रिपोर्ट का यूज़ ये होगा कि जितने भी आपने सेल किए रिटर्न किए हैं ना लास्ट मंथ में
उसमें जियो मार्ट ने आपसे कितना कमीशन लिया है, कितनी शिपिंग फी ली है, कितना रिटर्न चार्ज लिया है, कितनी फिक्स फी लगाई, जितने भी चार्जेस लेते हैं ना पोर्टल, जैसे कि ये अमेजोन एमपीआई रिपोर्ट में बताता है, वैसे ही सेम चीज ये इस रिपोर्ट के जरिए आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं थर्ड रिपोर्ट पे। तो चलिए हम फिर से जाते हैं जियो मार्ट में। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में फिर से आना है, अकाउंट्स करके आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और डाउन एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो लेजर्स करके आपको दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिल्टर फाइल टाइप में आपको सिलेक्ट करना होगा सर्विस इनवॉइस, यानी कि जो भी कमीशन जियो मार्ट ने आपसे लिया है उसका टैक्स इनवॉइस वो जनरेट करेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट डेट कब कब का लेना है, जाहिर सी बात है हम मार्च मंथ का देख रहे हैं, तो हम फर्स्ट मार्च से लेके हम सिलेक्ट करेंगे 31 मार्च। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक कर दोगे तो ये जितने भी इनवॉइस उसने जनरेट किए हैं, मतलब कि जितने भी फीस ली है आपसे, उसके बिल यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो ब्लू कलर का ये अकाउंटेबल नंबर है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे आप क्लिक करोगे ना तो एक पीडीएफ में इनवॉइस होगा, वो आपको मैन्युअली ये जितने भी है ना बिल है तो मैन्युअली डाउनलोड करने होंगे, है ना, वन बाय वन करके। बस दोस्तों ये तीन ही रिपोर्ट मेजर है जियो मार्ट में, इससे आपका सारा ट्रैकिंग हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो ना तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।